Hi guys, how are you all and welcome back to my channel once again. मेरा नाम है शाइनी. दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं आपके लिए 100% genuine work from home full time part time और इसके अलावा freelance opportunities के ऊपर latest updates लेके आती हूँ. और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ graduates और freshers के लिए 100% वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी. कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कौन सी कंपनी ने ये अपॉर्चुनिटी निकाली है, क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा, सारी जानकारी आज की इस रिक्रूटमेंट अपडेट में मैं आपको देने वाली हूँ. अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो दोस्तों तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टार्टेक द्वारा निकाली गई 200 ओपनिंग्स फॉर द पोजिशन ऑफ कस्टमर केयर एसोसिएट्स. कैसे आपको अप्लाई करना होगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूँ. तो टोटल ये 200 वैकेंसीज है, टोटल पैन इंडिया निकाली है ये 200 वैकेंसीज स्टार्टेक ने जो कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की है. आप इसमें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और आप इस पर हाइब्रिड वर्क भी कर सकते हैं. हाइब्रिड का मतलब आपको जरूर से पता होगा, जैसे कि आप यहाँ पे 3 दिन ऑफिस में काम करें या फिर 3 दिन घर से काम करें, बाकी के बचे दिन आप यहाँ पे घर से काम कर सकते हैं, ऑफिस से काम कर सकते हैं, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप एज अ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, आप एक एज अ पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, एज अ 12th पास आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई फ्रॉम योर एंड. बट आई डू थिंक कि सिर्फ ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स ही इस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ आपके पास ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुद का लैपटॉप या डेस्कटॉप विद गुड इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन हो. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें ये मैंडेटरी है कि आपके पास खुद का लैपटॉप या डेस्कटॉप विद गुड इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन हो. कंपनी के द्वारा आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है. आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. देन यू शुड हैव द विलिंगनेस टू डू रोटेशनल शिफ्ट्स. 24/7 वर्किंग एनवायरमेंट रहता है तो यहाँ पे आपकी रोटेशनल शिफ्ट पे भी ड्यूटी लग सकती है, विच मीन्स कि आप डे शिफ्ट में भी काम कर सकते हो और आप नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकते हो, ठीक है. नाउ अगर आपके पास प्रायर 1 साल का एक्सपीरियंस है विद इन द बीपीओ सेक्टर, आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. सो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन की जो हायरिंग है वो कौन कौन सी लोकेशंस ने इस वक्त स्टार्टेक ने निकाली है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी नोएडा में, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी निकली है. देन आपका दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, देन आपका जयपुर, हरियाणा, बैंगलोर और मुंबई ऑल एरियाज, ठीक है. तो मैं फिर से आपकी ये लोकेशंस को बताए देती हूँ. सबसे पहले आपका नोएडा, दैट इज योर इन उत्तर प्रदेश. देन आपका दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, देन आपका है जयपुर, बैंगलोर, हरियाणा, मुंबई ऑल एरियाज, ठीक है. तो अगर आप इन लोकेशंस में इस वक्त है तो आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे बात करते हैं सैलरी की, क्या सैलरी स्ट्रक्चर एज अ फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो फ्रॉम ₹17,000 to ₹20,000 पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जो इनहैंड आपको तनख्वाह मिलेगी कंपनी के द्वारा वो 17,000 से लेके 20,000 के बीच में होगी और इसके साथ में आपको जो भी एडिशनल इंसेंटिव है वो आपको कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है. ऑब्वियसली अगर आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस रहा है तो आप 20,000 से ज्यादा की सैलरी के ऊपर अपने एचआर से नेगोशिएट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 20,000 से ज्यादा सैलरी स्टार्टेक इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए देगा, ठीक है. अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि इसके इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा. जब भी मैं कस्टमर सर्विस पोजीशन की बात करती हूँ सो आई ऑलवेज टेल यू गाइस टू डू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो यू शुड हैव द पैशन टू सर्व योर कस्टमर. इवेंचुअली यू विल बी द फेस, यू विल बी द इमेज, अ प्रोफेशनल इमेज फॉर द कंपनी, ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्विक ग्रीवेंसेस अपने कस्टमर्स को दो, अपने क्लाइंट्स को दो जो कि आपसे वाया कॉल कनेक्ट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि आप इस काम को करना चाहते हैं, ठीक है. क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में, वर्चुअल इंटरव्यू या टेलीफोनिक आपका राउंड होगा तो उसमें आपसे इसके ऊपर भी सवाल किया जा सकता है कि हाउ मच यू आर पैशनेट फॉर द कस्टमर सर्विस जॉब रोल, ठीक है. हाउ मच पैशन यू डू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है. देन आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है लाइक यू कैन टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है. हर बार हर इंटरव्यू में एचआर आपसे सवाल करते हैं कि आप
अपने बारे में उन्हें कुछ बताएं, ठीक है। देन आप स्टार्टअप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? स्टार्टअप हम सब जानते हैं, पहले एजिस था लेकिन अब इसका नाम स्टार्टअप है, ठीक है। तो स्टार्टअप कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, इसके अलावा आप कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहते हो, आप कस्टमर केयर डोमेन में क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। आप क्या रोटेशन शिफ्ट्स में काम कर पाएंगे या नहीं, लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर सकते हैं या नहीं, डू यू हैव अ प्रॉपर लैपटॉप with a good internet wi-fi connection or a desktop with good internet or wi-fi connection, and are you satisfied with the salary package which is being offered by the company, which is between 17k to 20k for the freshers and obviously more than that for the experienced, theek hai. To ye kuch questions aapse personal interview pe puche ja sakte hain. Now अब आपका ऑब्वियसली पहला आपका टेलीफोनिक राउंड ही होता है, एक्सपेक्टेड है कि आपका एक फेस टू फेस राउंड भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एचआर कि वो आपका फेस टू फेस राउंड कराना चाहते हैं या नहीं, बट नेवरदलेस आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर मैंडेटरी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप इसके इंटरव्यू के लिए आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा देन यू नीड टू कैरी योर अपडेटेड रिज्यूमे एंड द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि हर बार मांगे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेंड्स आज मैंने आपको जानकारी दी है फॉर द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पोजीशन एट स्टार्टअप। अगर आपके पास मेरी आज की रिक्रूटमेंट अपडेट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप जरूर से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो चलिए दोस्तों अपने इस वीडियो को मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ और आने वाले टाइम में काफी सी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी लेटेस्ट अपडेट्स लेके आती रहूंगी। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।